जय माता दी। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छठे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है चैत्र नवरात्रि का छठा दिन जिसमें हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसमें भव्य स्वरूप। देखिए माता का नौ रूपों का यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। माता का बगल में आपको स्कंद माता दिख रही होगी, कात्यायनी माता दिख रही होगी। और हम दिखाने जा रहे हैं आज के वीडियो में कि भव्य नवरात्रि का दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको दूसरा स्टेज स्टार्ट हुआ है सजावट का। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से कारीगर लग चुके हैं भव्य भवन को सजाने के लिए। और पूरी मेहनत और पूरी श्रद्धा से ये नवरात्रि में पंचमी के रात से लग चुके हैं, क्योंकि इनको षष्ठी तक कंप्लीट करनी रहती है। तो ये कारीगर जितने ही इनकी काम को सराहना करो वो उतनी ही कम है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से नवरात्रि में माता रानी के भवन को किस तरह से कारीगर सजा रहे हैं। ये कारीगर दिन रात एक करके कितनी सुंदर दुल्हन माता के भवन को दुल्हन तरह सजाते हैं। तो देखिए कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो और यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं अब आगे इनके कारीगर की जो मेन हेड है जो वहाँ से लेके आते हैं सबको। तो आप जोरों शोर से चल रहा है, फिर से दूसरे फेज का तैयारी स्टार्ट हो चुका है। ये कब तक दूसरे फेज का फ्लावर सब तैयार हो जाएगा? 8 बजे तक। कितने तक? 8 बजे 8 बजे 9 बजे तक हो जाएगा आज? मतलब आज पूरा भवन का फिर से आज फूल सब चेंज करना है आपको। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली। दिल्ली से मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ सजाने के लिए। देखिए दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है अभी नवरात्र का फूल का सजाने का। यहाँ देखिए पूरे स्टार्ट हो चुके हैं, पूरे फिर से नवरात्रों के दूसरे फेज का स्टार्ट हो चुका है। पुराने फूल को हटा के सब नए फूल लगा रहे हैं, फिर से भवन को अच्छे से सजाया जा रहा है। जितने भी कारीगर की सराहना करो, काम जिनकी सराहना करो उतनी कम है, क्योंकि इतनी भव्य तरीके से भवन को सजाते हैं ना कि आपका आँख देख के ना एकदम मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से माता के भवन का जो मैं सुंदरता देख रही हूँ ना, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। अगर आप भक्त भी अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह सा लगा आपको भवन, किस तरह से जो फूलों की सजावट हुई है वो आपको सजावट किस कैसा लगा। तो एक बार जयकारा माता रानी के द्वार में लगा दीजिए जय माता दी, और कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, मेरे द्वारा दिखाई गई वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो सामने आपको भवन का नज़ारा देखने को मिल रहा है। भवन कितना खूबसूरत और भव्य तरीके से दिख रहा है। इस समय ये दोपहर का नज़ारा है तो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय भवन। और चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं जहाँ माता रानी के स्वरूप को है। तो यहाँ पे देखिए कितने भव्य तरीके से माता के भवन के ऊपर जो फूल को बना लोटस जो बना हुआ है कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और पीछे में जो ओम लिखा है यह कितना खूबसूरत तरीके से ओम को लिख के सजाया गया है, मतलब वाइट और उसके ऊपर से रेड का जो बारीकी को जो ध्यान रखे ये पूरे ओरिजिनल वाइट रोज़ हैं और रेड रोज़ हैं। और साथ में आपको हर तरह के फूल यहाँ पर लगे हैं कि माँ के अंदर भवन का भी मैंने नज़ारा देखा कि मतलब माता को हर तरह का फूल हर चीज़ जो प्यारा है माँ को सजाई गई। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे देखा हुआ था रेड कलर से ओम इंकलिंग चामुंडा विचैन है, मैं अभी यहाँ पे व्हाइट और ब्लू येलो से आपको लिखा जा रहा है। यहाँ पे सजाया जा रहा है मेन गेट को भी देखिए यहाँ पे किस तरह से सजाया जा रहा है, जो हम जहाँ पे एंट्रेंस होता है ना एंट्रेंस जब घुसते हैं वहाँ पे यहाँ पे भी सजाया जा रहा है। मतलब हर जगह में हर पुराने फूल को हटा के नए नए फूल को देखिए, सामने में पुराने फूल आपको दिख रहे होंगे और नए फूल को देखिए सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इस समय माता के भवन को सजाया जा रहा है। बाकी मैया रानी का भवन तो ऐसे ही निराला दिखता ही है, लेकिन इस नवरात्र में कुछ अलग ही एक स्वर्ग जैसा माता रानी का भवन दिखता है। तो यहाँ पे देखिए जगन्नाथ भगवान जी के को भी द्वार को सजाया जा रहा है। यहाँ पे एक जगन्नाथ जी का भी झांकी रखा गया है भवन में, तो वहाँ भी देखिए हर भगवान को
तो यहाँ से आपको कमल मिल जाएगी। बहुत भक्त को कमल की दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे जाइए, ऊपर थर्ड फ्लोर पे आपको कमल मिल जाता है, लेकिन रात के 9 बजे मिलेगा और उसके बाद आप कमल लेके इनको रिटर्न कर दीजिए क्योंकि कमल की काफ़ी शॉर्टेज आ रही है। तो भक्तजन आप ये सब दिक्कत ना सहें, इसीलिए मैं आपको छोटी सी छोटी जानकारी दे रही हूँ अगर आप आ रहे हैं इस समय चैत्र नवरात्रि में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से देखिए स्काई वॉक का भी ऊपर स्काई वॉक का भी काम देखिए हो ही रहा है ऊपर में। तो चलिए अब लॉकर की बात करें, लॉकर नंबर 1, 2, 3 एकदम फुल बुकिंग चल रही है। तो आप भक्त अगर जल्दी से जाते हैं अगर दर्शन करने के लिए तो जल्दी लॉकर खाली कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं लॉकर में रख के ही भैरव बाबा दर्शन करने जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करिए। मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो जय माता दी लिखिएगा। चलिए बात कर ले रुपए की, तो रुपए की सेवा कल बंद की गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और थोड़ी मौसम की भी प्रॉब्लम थी इसी के चलते। तो आप भक्तजन पैनिक गए हैं, फिर भी यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी, फिर रुपए से सेवा स्टार्ट हो चुकी थी तो थोड़ी लंबी लाइन लग गई थी। अगर मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी तो जय माता दी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स।